खुसुर फुसुर बहुत चल रहा है, लेकिन हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जो मैडम बोली हैं, जो आलमगीर साहब बोले हैं, जो अविनाश पांडे जी बोले हैं, हमने वही बात आप तक पहुंचाई है। इसमें थोड़ा सा भी नमक मिर्च मसाला नहीं मिलाया, एकदम खड़ी खड़ी बात जो है आप तक पहुंचा। ये तो कब से चल रहा है कि महागठबंधन जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी, सरकार चल रही है 48 पे, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आप सबने अभी कहा ये अपमान है या सम्मान है, अपमान तो है, सम्मान आपको कहाँ से लग रहा है? अरे बाप रे, मैडम बहुत गुस्से में है। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आप दिल्ली जाते हैं, वो भी चार्टर्ड प्लेन से, वहाँ रात में आप मिलते हैं। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिनसे मिलने के लिए लोगों को हफ्ता महीना तो इंतजार करना ही पड़ता है, उनसे आप चुटकी में मिल लेते हैं और मिलकर बाहर आके मीडिया से भी कह देते हैं कि सब ठीक ठाक है, और रांची आकर आप कहते हैं कि हम उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, और आप उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर देते हैं। अब गुस्सा भला नहीं आएगा क्या? तो मैडम इसलिए गुस्सा है, हाँ, और मैडम का गुस्सा जायज है। दरअसल मैडम जो है ये गुस्सा ऐसे नहीं कर रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भी बात होती है ना। क्या कहा? एक मैडम को गुस्सा होने से क्या हो जाएगा? अरे दूसरी मैडम भी गुस्से में, आप देख लीजिए जरा सा, वो भी बहुत फायर है, वो भी कह रही है कि कोई बात नहीं है कि ऐसा आप कर देंगे, हैं? सरकार में है हम हमारी नहीं सुनेंगे, आपको बिलीव नहीं हो रहा है? सुनिए आप, इस जो प्रक्रिया से या फिर जिस तरीके से जेएमएम ने अपना राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, उसमें जो मैडम के साथ अंदर बातें हुई वो तो हम लोग नहीं जानते। उसके बावजूद आज राज्य के हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को, विधायक छोड़ दीजिए, राज्य के हर कांग्रेस कार्यकर्ता को इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान दिखता है। कहीं ना कहीं महागठबंधन के जिस धर्म को हम लोग लगातार इस बात को सामने लाने के बावजूद कि हम जिन बातों को बोल करके जनता के बीच से जीत करके आए हैं, इस राज्य में एक महागठबंधन की सरकार बनी, ना हम युवाओं की उम्मीद को पूरा कर पा रहे हैं, ना भ्रष्टाचार पे जिस तरह से लगाम लगना चाहिए था वो लगा पा रहे हैं, जो पिछले सरकार में भ्रष्टतम पदाधिकारी थे उनको, उनकी जो सीएमओ से आज के दिन घनिष्ठता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर दाग लगाने का काम करती है। देख लिया, सुन लिया, तसल्ली हो गई ना? कांग्रेस के विधायक बहुत गुस्से में है। अरे भैया आत्मसम्मान नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अरे जीएमएम जाके सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और आके रांची में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी, अब तो फिलहाल नॉमिनेशन भी हो गया, अब तो कोई चारा भी नहीं। तो कांग्रेस के विधायकों का ये गुस्सा वाजिब है, लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब बातें आपको क्यों बता रहे हैं? ये बातें इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो तरह तरह की चर्चा हो रही है उस चर्चा के बारे में तफसील से जो फैक्ट्स है वो आप तक हम पहुंचाएं, और उसी कड़ी में हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस के विधायकों की ये नाराजगी आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में दिखी, क्योंकि प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे। जैसे ही जेएमएम ने राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, आनन फानन में प्रदेश प्रभारी रांची पहुंच गए। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये पहले से तय था कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रांची आएंगे, और जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रांची पहुंचे तो उन्होंने 1-on-1 बात किया सभी विधायकों से, और सभी विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जैसा कि वो करते रहे शुरू से, ये हम नहीं चलेगा। कई कांग्रेसी विधायकों ने तो पहले ही ट्विटर पे ऐलान कर दिया था, बस आखिरी समय आ गया है, अब तो फैसले की घड़ी है। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो आमतौर पर कांग्रेस करती रही है। अविनाश पांडे ने सबकी सुन ली, और उसके बाद जब वो खुद बोलने आए तो जो वो बोले हैं वो कांग्रेस के विधायक सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये तो हम ही सोच सकते हैं, आप ही सोच सकते हैं। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि कांग्रेस के विधायक जब अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके और उसके बाद अविनाश पांडे मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्या कहा? चुनाव में कांग्रेस के पास में संख्या नहीं है, कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट इसमें नहीं उतारा है, जेएमएम का कैंडिडेट है जिसको मेरे ख्याल से उन्होंने आज फाइल नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। विधायकों ने नाराजगी जाहिर की है, विधायकों ने कहा कि बाहर भी, सम, कोई बाहर भी, समर्थन कोई भी विधायक है। कोई भी विधायक ने ना किसी प्रकार की नाराजगी व्यक्त की, संगठन संबंधित और उनके हर एक के विधायक क्षेत्रों की बात इसमें की गई, मेंबरशिप ड्राइव के बारे में बात की गई, अन्य विषयों पर जो भी बात की गई राज्यसभा में उन्होंने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों का मैंने नोट किया। मतलब आप कोई गिला सिखवा? अरे कोई नाराजगी ही नहीं है,
किसी ने अपनी नाराजगी जाहिर ही नहीं की, किसी ने कहा ही नहीं कि हमको दिक्कत है, हमको नहीं रहना है जेएमएम के साथ में, हम बहुत गुस्से में हैं। सबने कहा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे राज्यसभा चुनाव कोई चुनाव है क्या? हम फोकस मांडर चुनाव पर करेंगे, मांडर जीतना ज्यादा जरूरी है ना। कांग्रेस जेएमएम में कोई खटपट नहीं है। अब अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर देख रहे हैं ना कि अब गिरी सरकार तब गिरी सरकार वाली जो बात हो रही है ना, वो सब ऐसे ही है, क्योंकि अविनाश पांडे ने कह दिया है हमारा जो बंधन है ना वो अटूट बंधन है और हमें कोई हटा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता है। अविनाश पांडे की बात सुनकर आप सोच रहे होंगे ये तो प्रदेश प्रभारी है, कह दिए। लेकिन चलिए आपको आलमगीर आलम साहब की भी बात सुना लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भी बयान आया जी, वो चुनाव जो है राज्यसभा का चुनाव अलग, और चुनाव का जो नतीजा क्या होना है वो सब आगे आप लोग भी जानते हैं। अब हमें जो 2019 में जनता ने गठबंधन की सरकार चुनी थी, पहले से हमारा गठबंधन था, जनता को धर्म को भी हमें देखना हो, और जो कमी है खामियां हैं जो महसूस कर रहा है हमारा वर्कर, उस सारे बातों को रखकर हमको आगे चलना हो। सोनिया जी से क्या, हमारा मैडम से क्या बात हुई थी, तो ये जो है ना, जो है जो आप नहीं जानते, आप अंदाजा लगा कर बात को बोलते हैं। ये सारे देखो सारे चीज़ों को खाली अपने दिमाग से सोच नहीं होता। हम बैठकर अभी माननीय प्रभारी जी से क्या हमारी बात हुई, अरे आप अंदाजे में लगा कर उस बात को अगर क्या बोलते हैं उसको चलाने के काम करो तो सही नहीं है। आप हमारा मुझसे सुनिए, सूत्र का आधार पर, सूत्र का आधार पर सर, सोर्स सूत्र, सूत्र के हवाले से तो ही खबर आती है। वो सोर्स होता कौन है, सूत्र होता कौन है, वो तो आपके ही पार्टी के लोग होते हैं ना, जो चुपके से बोलते हैं हेलो सुनिए, हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और हम लोग उसको अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया में, पोर्टल में चला लेते हैं, और वो सोर्स चूंकि पक्का होता है उसी के हवाले से चलाते हैं। क्या पता आपके इर्द गिर्द के लोग ही बताते हों कि अंदर क्या चल रहा है, वो खबर बाहर आ जाती है और हम चला देते हैं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई। तो इसलिए जो हम चलाते हैं वो ठोक बजाकर चलाते हैं।